Now, days after accusing the BJP government in Goa of corruption during the COVID pandemic, Meghalaya Governor Satyapal Malik on Sunday spoke out again addressing an event. The governor said that till now, farmers have not even thrown a stone on anyone. He alleged the Red Fort incident had nothing to do with the farmers' protest. He also accused the government of not expressing grief over the deaths of some 600 farmers since the agitation began. उसका किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं तो, और मैं किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं उसे भी जस्टिफाई करता। किसान लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को है तो आप जानते होंगे कि आपके तो गीतों में, बातों में, किस्सों में लाल किला ले लिया, लाल किला लेंगे। लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव